सुशांत के निधन पर शॉक्ड हुई पवित्र रिश्ता की टीम। सुशांत ने आधी रात को आखिर फोन कॉल पवित्र रिश्ता के किस एक्टर को किया था? क्या सुशांत करना चाहते थे अपने दिल की बात? क्या वाकई सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे? सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर सुनकर पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री को झटका लगा है। सभी हैरान हैं और कह रहे हैं कि 34 साल की उम्र में उनका ऐसा कदम उठाना गले से नीचे नहीं उतर रहा है। एक न्यूज पोर्टल की खबर की माने तो खबर ये भी आ रही है कि सुशांत ने ऐसा डिप्रेशन के चलते किया। हालांकि अभी इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कुछ चीजें क्लियर होंगी। सुशांत के सुसाइड की खबर सुनकर सीरियल पवित्र रिश्ता की पूरी स्टारकास्ट भी सदमे में है। एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते वक्त पराग त्यागी ने कहा, पराग त्यागी का कहना है कि उषा नटकर्णी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि सुशांत हम सभी को छोड़कर चले गए। वहीं पराग ने जब अंकिता से इस दुखद खबर पर बात की तो उन्होंने कहा कि अंकिता काफी दुखी है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि सुशांत ने ये कदम उठाया। सब कुछ तो अच्छा था। छिछोरे फिल्म हिट हुई थी। उनकी अगली फिल्म दिल बेचारा आने वाली थी, उसमें वो शानदार लग रहे थे। सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं दिल बेचारा फिल्म का टीजर देख रहा था कल ही, बहुत अच्छा था। पराग आगे कहते हैं कि सुशांत ने जिंदगी में सभी को आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट किया और अब जब उन्होंने सुसाइड कर ली तो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। पुलिस को सुशांत के घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुशांत ने आधी रात को आखिरी फोन कॉल एक एक्टर को किया था लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया था, इसलिए दोनों की आपस में बात नहीं हो पाई। और रिपोर्ट की माने तो वो एक्टर थे महेश शेट्टी, जो सीरियल पवित्र रिश्ता में सुशांत के को स्टार थे और तब से दोनों काफी गहरे और अच्छे दोस्त थे। 21 मई को महेश शेट्टी के बर्थडे पर सुशांत ने महेश और अपनी फोटो अपलोड की थी प्यार भरे कैप्शन के साथ, जो था हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मैं सुशांत के परिवार के लोग और उनके दोस्तों के अलावा इंडस्ट्री के लोग और आम जनता सभी हैरान है कि कैसे वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। आखिर कैसे, क्या प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। टेली मसाला की तरफ से सुशांत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।